डियर फ्रेंड्स, आई एम सुंदरम कुमार, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों को स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस कक्षा में हम लोगों ने वर्ब के बारे में डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मीन वर्ब के बारे में फुल्ली डिस्कस किए थे और जानने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, उन्हें मैं यही कहूंगा कि आप कलम कॉपी निकाल लें और मैं जो लिखा हूं उसे नोट करते चलें, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं सभी एक सीरियली पढ़ा रहा हूं। अगर आप बढ़िया से उसे नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका एक बेहतरीन ग्रामर का मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा और आपको ग्रामर पढ़ने की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, डियर फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तीसरा नाम है इसका सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, इन तीनों का अगर हम हिंदी देखें तो तीनों का हिंदी बस यही होता है सहायक क्रिया। यानी हम लोग यहाँ पे सहायक क्रिया पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वी नो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, जो आपके आपकी मर्जी। ओके, तो अब हम लोग डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इसको हम कह सकते हैं ए वर्ब विच डिनोट्स पोजीशन, पजेशन, पॉसिबिलिटी और कंपल्शन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो दोस्तों, चलिए हम इसको लिख लेते हैं, आप भी अपने कॉपी पर लिखिए। ओके, राइट डाउन ए वर्ब विच डिनोट्स पोजीशन, पोजीशन और कंपल्शन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने डेफिनेशन दिया है ए वर्ब विच डिनोट्स होगा या डिनोट्स कर लीजिए पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी और कंपल्शन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों देखिए, इसका अगर हिंदी देखें तो वैसा वर्ब जो बताता है, डिनोट्स मींस क्या होता है, बताता है पोजीशन, पोजीशन मींस स्थिति, पोजीशन अधिकार, पॉसिबिलिटी संभावना, कंपल्शन बाध्यता या मजबूरी। कंपल्शन मींस होता है बाध्यता या मजबूरी, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहां तक मैं आपको कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया। मैं अब इसके बाद ये बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो ग्रामर में, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो टोटल 28 है। कितने हैं? 28। और ये 28 आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 28 ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे देयर आर 28 ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 28 है। 28 यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 28 है। अब देख लेते हैं कौन कौन है। दोस्तों देखिए, इच आर एम वाज वर डू डज डिड
सेल उसके बाद बीन ये जो है ये आपको 28 ऑक्सिलरी वर्ब है। दोस्तों आप लोग को इसमें से कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। आप याद रखिएगा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आता और प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लीजिए। ओके, see you again later, bye.